हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको भी अपना जो फर्स्ट स्मार्टफोन है उसे चूज करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी एक हाल फिलहाल में एक स्मार्टफोन परचेज किया है, तो किस तरीके से एक स्मार्टफोन को खरीदते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। और कौन सा हमने स्मार्टफोन परचेज किया है अपनी न्यू वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब के लिए, ठीक है, वो भी हम आपको उसका रिव्यू भी देने वाले हैं। और जो पहले मैं वीडियो शूट करता था वो कौन सा स्मार्टफोन था और कौन से सॉफ्टवेयर में चलाता था, वो सभी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस पर भी आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो सभी आप आज के इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। एक सही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें करियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और ये फ्री है। दोस्तों ये है सैमसंग का M31 स्मार्टफोन। चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लुक वाइज देखने में बहुत ही अमेजिंग इसका लुक लगता है। इसमें इसका जो मेन हाईलाइट फीचर है वो है इसका मेगा कैमरा, जो कि आपको 64 मेगापिक्सल का अमेजिंग कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्लियरिटी वाली फोटोज आपको क्लिक करके देता है। इसके साथ ही आपको मिल जाते हैं 8 मेगापिक्सल का वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का लाइव फोकस लेंस, जो कि अमेजिंग फोटोज आपको क्लिक करके देते हैं। साथ ही यहां पर आपको नाइट मोड का भी फीचर देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आप 4K तक की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और हाइपरलैप्स का भी फीचर मिल जाता है, जो कि अमेजिंग फोटोज देगा। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कि अमेजिंग सेल्फीज आपको क्लिक करके देगा। सुपर स्लो मोशन का भी सपोर्ट मिलता है। तो इस स्मार्टफोन का जो मेन हाईलाइट फीचर है वह है इस स्मार्टफोन का एक लंबी बैकअप देने वाली बैटरी, और साथ ही इसमें आपको मिल जाता है एक्सनोस का 9611 का प्रोसेसर। और ये है माइक्रोसॉफ्ट का हमारा पुराना वाला स्मार्टफोन जिसके जरिए मैं वीडियो शूट किया करता था, जिस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा हमको प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मोबाइल फोन में मैं एक एप्लीकेशन यूज करता था जिसका नाम है इजी मूवी मेकर। इस एप्लीकेशन के जरिए ही मैं यहाँ पे मतलब इस मोबाइल फोन के जरिए सबसे पहले वीडियो शूट करता था, उसके बाद में इजी मूवी मेकर के जरिए मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस को क्रिएट करता था। किस तरीके से क्रिएट करता था वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये है इजी मूवी मेकर, ठीक है। इसको इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये केवल माइक्रोसॉफ्ट के फोन में चलेगा, ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, प्लस के हिसाब से, और वहाँ पे आप वीडियोस फोटोज जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस क्लिक करके रखे हैं, तो उसे मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाता है, इसमें आप ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा आप मतलब एडिटर यूज करते हैं, तो मैं ये अभी तक यूज करता था, और जो नया एडिटर यूज करता हूँ उसके बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को जानना हुआ तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बन जाने के बाद थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा सा ज्यादा मैं टाइम देता हूँ। बन जाने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फुल HD क्वालिटी में भी आप मतलब इससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से एक बेहतरीन स्मार्टफोन का चुनाव किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ब्रांड का सिलेक्शन करना होता है। तो इस कंडीशन में जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा वो क्या था, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब मैं अन्य ब्रांड की तरफ बढ़ रहा था जो कि थे जैसे इस समय जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है आपको देखेंगे तो रियलमी, ठीक है, ठीक है, रियलमी हो गए, वीवो हो गए, तो ये सब थोड़ा सा मोस्ट मतलब कि बहुत ज्यादा पॉपुलर ये ब्रांड है, बहुत ज्यादा लोग इसको प्रीफर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा सस्ते होते हैं। लेकिन इसमें जो एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है, ये जो मोबाइल कंपनियां हैं एक तो चाइनीज है, डाटा चोरी होने का डर रहता है, ठीक है। तो डाटा का जिसको महत्व तो नहीं पता है वो तो भैया अपना इस वीडियो को स्किप अभी कर ले, ठीक है। तो इसमें डाटा को भी आपको देखना है। थोड़ा सा एक चीज और भी आपको यहाँ पे इन ब्रांड्स में जो चाइनीज ब्रांड है वो उसमें ध्यान देने की योग्य है, जैसे कि उस इन ब्रांड में वो क्या करते हैं, आपको जो बजट होता है, जो भी आपका बजट होता है उसमें तो आपको स्मार्टफोन दे देंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा 10,000 तक बजट है, बाकी सभी कैमरा ले लो भाई, मतलब कि प्रोसेसर
ऑप्शन ले लो, अच्छा खासा सब दे देंगे। लेकिन एक चीज आपके साथ धोखा करते हैं, धोखा क्या करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। मैं इतने दिन मतलब कि जब स्मार्टफोन ये लिया जो कि जिस तरीके जो कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ उसी से जो कि मैं नया लिया हूँ, तो इसी के स्मार्टफोन लेने में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वही सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें वो करते क्या है, वो करते ये है कि अन्य जो कंपनियां है ठीक है, एक अपना अलग से ही ऊपर से नोटिफिकेशन बार में या फिर अन्य बीच बीच में, जिस तरीके से आपने 1500 का जियो वाला जब स्मार्टफोन लिया होगा उसमें देखेंगे ना बीच बीच में रिचार्ज वाला करने का प्लान दिखाता रहता है, ऊपर दिखाता रहता है नीचे, वो थोड़ा सा उसी तरीके से वो आपको ऐड दिखाते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम रहता है, क्या पता आपके जो भी डाटा है वो लीक कर दें, बैंक अकाउंट के अपने फोटो खींच के रखे हो कहां पे रखे हो वो उठा लें, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देनी है इन चाइनीज ब्रांड में, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे चुनाव किया सैमसंग का, ठीक है। चुनाव करते समय भी आपको दिक्कत आती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चुनाव किस तरीके से करना है वो भी देखिए। चुनाव करते समय आपको देखना है, जैसे कि मैंने एक ब्रांड को अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। और इन ब्रांड में थोड़ा सा चाइनीज ब्रांड में एक बात और भी आपको ध्यान देनी है, मैंने आज तक जो भी पिछले जो भी हमारे दोस्त थे, जो भी हमारे पिछले दोस्त थे जिन्होंने रियलमी वीवो इस टाइप के जो फोन यूज किए थे, उनका मैंने एक बार रिव्यू लिया कि भाई बताइए कितने दिन तक ये आपने स्मार्टफोन यूज किया, ठीक है। तो उनका जो रिव्यू रहा वो जानकर मैं थोड़ा सा दंग रह गया कि उन्होंने ये जो स्मार्टफोन थे बहुत ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल इससे ज्यादा ये स्मार्टफोन चलते ही नहीं। एक मैं आपको स्मार्टफोन यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिससे मेरी वॉइस यहाँ पे शूट हो रही है, ठीक है। ये भी मेरा सैमसंग का स्मार्टफोन है, ठीक है, ये देखिए। तो इससे मेरी ये वॉइस शूट होती है, ठीक है। तो ये मेरा बहुत पुराना स्मार्टफोन है, आज भी ये झक्कास चलता है, थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम होता है लेकिन बहुत ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है, काफी दिन 5 साल का पुराना हो गया, 5 साल का लगभग पुराना हो गया, फिर भी ये चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। जब मेरा स्मार्टफोन बिगड़ गया था तो मैं इसका यूज करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि इन टाइप के स्मार्टफोन ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल तक चलते हैं जो वीवो या फिर चाइनीज ब्रांड के, ठीक है। और जो सैमसंग का या फिर अन्य जो अलग कंपनी है जैसे नोकिया का भी आप ले सकते हैं, यहाँ मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। नोकिया का भी आप लेंगे तो वो ब्रांड अगर आप एक बार ले लेते हैं तो जैसे कि मैंने यूज किया, बाद में अगर आप वो फोन नहीं यूज करना चाहिए वो अलग मैटर है, ठीक है, वो अलग मैटर है। आप चाहे तो अपने मतलब पिताजी को या फिर किसी अन्य दोस्त को या फिर कोई घर का घर पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका वो पैसा जो इन्वेस्ट आपने किया है वो खराब नहीं जाता अगर आप एक सही ब्रांड को चूज करते हैं तो, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। तो आपने ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कुछ यहाँ पे अब ऑनलाइन ऑफलाइन का यहाँ पे झमेला रहता है जो कि मेरे साथ हुआ था, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन का झमेला क्या है वो भी थोड़ा सा समझिए। ऑनलाइन ऑफलाइन का झमेला ये है कि अगर आप ऑनलाइन लेने के लिए जाते हैं वही प्रोडक्ट और ऑफलाइन लेने के लिए जाते हैं, दोनों में थोड़ा सा पैसा का डिफरेंस रहता है, तो वो पैसा का डिफरेंस थोड़ा सा कमीशन वाइज हो जाता है, आप जो भी प्रीफर करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें केवल ऑनलाइन मिलती है उनमें क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मेरा जो स्मार्टफोन था वो सैमसंग सीरीज का था, सैमसंग M31, जो कि हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब मेरे को ये स्मार्टफोन लेना था, अब मुझे क्या करना होगा, अब तो मुझे ऑनलाइन जाके लेना पड़ेगा ना। ऑनलाइन जाके मुझे लेने के लिए क्या करना पड़ा, मैंने जब वहाँ पे फ्लिपकार्ट के मतलब वेबसाइट पे सर्च किया तो ये चीजें लगभग दिखा रही थी 19,000, और वहाँ पे मैंने मतलब कि अमेजोन पे सर्च किया तो ये चीजें दिखा रही थी 17,500, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी, मैंने सोचा कि भाई फ्लिपकार्ट वाले इतना क्या दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ मेरे दोस्त थे जो कि फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर चुके हैं मोबाइल फोन की, तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई आप अमेजोन से ही लीजिएगा। मैंने पूछा भाई क्यों अमेजोन से लें, फ्लिपकार्ट भी एक मतलब की अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा आपको देती है डिलीवरी वाली। तो उन्होंने बताया कि एक चीज उसमें प्रॉब्लम होता है कि उसमें जो मतलब की जैसे कि स्मार्टफोन आप लेते हैं किस शॉप से लिए कहाँ से लिए, उसका एक सिग्नेचर होता है जिससे कि आपका वारंटी कार्ड होता है, तो कब आपने लिया तो उसका जो शॉप का सिग्नेचर होता है, तो वो अमेजोन वाले करके देते हैं और फ्लिपकार्ट वाले करके नहीं देते, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट में अगर आपने ले लिया है आपको करके नहीं दिए हैं मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गई, तब आपको क्या करना होगा, उनको 500-600 पे करना पड़ेगा उस चीज को बनवाने के लिए कि मैंने ये स्मार्टफोन लिया है, हाँ सिग्नेचर वेचर करके तब देंगे, उसमें अलग से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अमेजोन वाले करके देते हैं उसी के साथ में, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये भी एक्सपीरियंस आपको एक नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। एक्सपीरियंस से बहुत सारी फायदा मिलती है क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करके रखें, ठीक है। तो यहाँ तक बात आई, उसके बाद में एक और बात आती है यहाँ पे ध्यान देने के लिए, जैसे कि अब मेरा यहाँ पर सभी चुनाव हो गया कि मुझे अमेजोन से लेना है, कौन सा मोबाइल लेना है वो मैंने सर्च किया, तो अब उसको आप लोग भी कुछ लोग तो नहीं देखते हैं रिव्यू, मैं देखता हूँ जिससे इससे पहले मैंने जो भी कुछ खरीदा है अमेजोन से, ठीक है, ज्यादातर मैं अमेजोन से ही शॉपिंग करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उसकी रिव्यू देखता हूँ, अगर एक भी गलत रिव्यू रहता है तो थोड़ा सा एक दो तो इग्नोर कर सकते हैं, बाकी अगर ज्यादा गलत रहता है तो मैं उसको हटा देता हूँ, भाई मैं ये नहीं लूंगा, भले मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी। मैं ये जो स्मार्टफोन लेने जब मैं उस पर गया सर्च किया देखा ये स्मार्टफोन के बारे में, तो कुछ लोग भाई इसके थोड़ा सा कैमरा को लेकर मुझे, मैं इसको कैमरा प्रेफरेंस के साथ इसको खरीद रहा था, मुझे कैमरा की नीड थी जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने की या फिर अन्य ब्लॉगिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने देखा कुछ लोग बता रहे हैं भाई इसका जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल के टाइप जैसे कि
8 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, उसी के हिसाब से ये देता है 32 मेगापिक्सल का। इसमें बताया गया कि भाई इसमें जो कैमरा होता है वो 32 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन वहाँ पे लिखा भैया इसका जो कैमरा है ना 8 मेगापिक्सल का है, 32 नहीं देता है अमेज़न वाले, मतलब सॉरी सैमसंग वाले, आपको चूतिया बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देख के थोड़ा सा मुझे शौक लगा, कुछ लोगों का और भी देखा, 2-3 लोगों का देखा, तो मैंने सोचा यार अब क्या करें, फ्लिपकार्ट से नहीं लेना है, अमेज़न से ही लेना है, और 8 मेगापिक्सल का बता रहे हैं, अब क्या करें। तो फिर मुझे एक समझ में आया कि भैया ये लोग जो है ना आपस में कंपटीशन के लिए कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब मैंने इसको मंगाया, आज आपके साथ मैंने वीडियो शूट करके आप देख सकते हैं इसका जो मेगापिक्सल है काफी बेहतरीन आपको शूटिंग करके दे रहा है, देख लीजिए। तो ये बाद में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि भैया ये जो मतलब कंपनियां जैसे चाइनीज कंपनियां हो गई और इंडियन कंपनियां हो गई जो भी है सैमसंग, ये सब आपस में कंपटीशन में कुछ भी करते रहते हैं, कुछ गलत भी रिव्यू डालते रहते हैं, तो ऐसा भी लगा मेरे को। या फिर कुछ लोगों को कैमरा भी चेक करने के लिए नहीं आता, कुछ तरीके से उसका कैमरा सही से परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो वो भी हो सकता है, या फिर जिन्होंने लिया होगा उनका मतलब मोबाइल में दिक्कत रही होगी, तो वो चीजें भाई अलग बात है। लेकिन मेरा जो मतलब आया स्मार्टफोन, मैंने भी उसी रिव्यू को पढ़ने के बाद ये फोन लिया था, तो थोड़ा सा उसमें मुझे ये लग रहा था कि अगर मेरा 8 मेगापिक्सल का इसमें आ जाएगा तो आप लोगों के साथ मैं वीडियो कैसे शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला स्मार्टफोन था वो खराब हो गया था, इसीलिए मैंने इस नया स्मार्टफोन को चूज किया और अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको देने के लिए इस मोबाइल फोन को खरीदा, क्योंकि मैं थोड़ा सा DSLR से वीडियो नहीं बनाना चाहता। ठीक है, क्योंकि कैमरा होता है, स्मार्टफोन होता है, कहीं पर लेके जाओ अपना चालू करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है वो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, कुछ और भी रहेगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही।